नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अखबार के दफ्तर के सामने किन्नौरों ने उतारे कपड़े तो पब्लिक ने कर दी धुलाई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किन्नौरों ने अखबार के दफ्तर के सामने कपड़े उतार कर चक्का जाम कर दिया। लोगों ने किन्नौरों को समझाया तो वह मारपीट करने लग गए। आखिर गुस्साए लोगों ने पकड़ कर किन्नौरों की जमकर पिटाई कर दी। 100 भारतीयों के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया ब्लू कॉर्नर नोटिस। इंटरपोल ने 100 भारतीयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस BCN जारी किया है, जो 5 महीने पहले केरल के मनुबम बंदरगाह से रवाना हुए थे। शुरुआती 5 का खुलासा हुआ है कि महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को तस्करी के जरिए विदेश भेजने का खेल चल रहा था। 234 लोग इस रैकेट का शिकार हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ी, जा सकता है मंत्री पद। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पर शिकंजा कस गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनकी खींचतान अब निर्णायक दौरे पर पहुंच चुकी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब सिद्धू पर सीधे एक्शन के मूड में आ गए हैं। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।